हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल टुडे वी विल रीड आर सिक्स चैप्टर इन जोग्राफी एंड दिस इज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ सो लेट्स टार दैप्टर एज यू ऑल नो दैट डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स या फीचर्स जो आपने देखे होंगे लाइक पेट्यू माउंटेन्स और भी वैलीज और एंड यू हैव नोटिस दैट सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर हर जगह हमारी अर्थ का सरफेस इक्वल नहीं होता हर जगह ये सेम नहीं होता कहीं पर कुछ पार्ट इसका ऊंचा होता है हाइयर होता है इन द कंपेरिजन ऑफ द अन पार्ट द अर्थ हैज़ एन इन्फिनिट वराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं हमारी अर्थ पर सम पार्ट्स ऑफ लिथोसफेयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट जो लिथोसफेयर लेयर है हमारी अर्थ की उसके कुछ पार्ट्स रगड होते हैं और कुछ फ्लैट होते हैं दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ ट्रो प्रोसेस जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो टू प्रोसेस का रिजल्ट होते हैं एंड दीज प्रोसेस आर इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस

इट मीन्स हमारी लिथोस फिर प्लेट के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो प्लेट्स ऑलवेज मूवमेंट में रहती है आ, उनमें हमेशा मूवमेंट्स होते रहते हैं लेकिन वो हमें फ़ील नहीं होते बिकॉज़ ये मूवमेंट्स बहुत ही स्लो होते इट मीन्स बहुत सारे सालों में जाकर कुछ सेंटीमीटर वो अपने प्लेस को छोड़ती है या फिर उनमें एक जगह से दूसरी जगह जो ये प्लेट्स होती है वन किसी भी प्लेट्स के नीचे चली जाती है ऊपर चली जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारे सरफेस पे ऊपर की तरफ तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द इंटरनल प्रोसेस एंड दिस तो प्रोसेस लीड टू तो द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस बहुत सारी जगह के अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग के लिए ये इंटर जो इंटरनल प्रोसेस होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है द सेकेंड जो प्रोसेस है वो है हमारी एक्सटर्नल प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज द कॉन्टिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस एंड द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सर्फेस इज़ कॉल्ड इरोजन जो हमारी अर्थ सरफेस का जो अपर पार्ट होता है जब फ्लड या फिर एयर की वजह से वो ऊपर का जो पार्ट होता है उसे या तो एयर उड़ा के लेके जाती है या फिर फ्लड आती है वो बहा के लेके जाती है तो उस प्रोसेस को इरोज़न बोलते हैं एंड द सर्फेस इज़ बीइंग लोवर्ड बाई द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रिबिल्ड बाई द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिशन और इस आ, इरोजन की वजह से जो भी फ्लड या एयर जो भी सरफेस के ऊपर से पार्ट को उड़ा के लेके जाती है वो दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाता है जो डिपोजिशन होता है उससे वो नए सरफेस को रिबिल्ड कर देता है तो डीज डीज टू तो प्रोसेस आर कैरियड आउट बाई रनिंग रनिंग वॉटर आइस एंड विन ये सब इस डिस डिस्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है Uh, broadly we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateau and plains जो हमारे different kind of landforms हैं वो depend करते हैं elevation पे या फिर slope के ऊपर दोनों में से एक दोनों हो सकते हैं जैसे कि हमारे mountains, plateau और plains हमारी जो external process है उसमें erosion की वजह से दूसरी जगह पर ले जाके ये deposition कर देते हैं आह उसमें soil होती है उसमें हमारा सेंड हो सकता है या फिर स्मॉल रॉक्स हो सकते हैं उनका डिपोजिशन अनदर प्लेस पर हो जाता है और वो एक नया सरफेस रिबिल्ड कर देती है बट जो हमारी इंटरनल प्रोसेस होती है इंटरनल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वॉलकैनिक्रप्शन या फिर हमारे अर्थ उनकी वजह से कभी कभी हमारे या फिर कई बार किसी नेचुरल जैसे नेचुरल क्लैमिटी होती है उसे हमारे माउंटेन्स जो होते हैं उनका कुछ पार्ट टूट जाता है तो एक नए लैंडफॉर्म्स को वो रिबिल्ड कर देता है फर्स्ट नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट लैंडफॉर्म एंड दिस इज माउंटेन अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस माउंटेन कोई भी नेचुरल एलिवेशन हो सकता है हमारे अर्थ सरफेस का द माउंटेन्स मेंव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस जो माउंटेन्स होते हैं उनकी जो समिट होती है समिट मीन्स चोटी जो होती है वो स्मॉल होती है और नीचे की तरफ जितना आते हैं वो इतने ही ब्रॉड होते चले जाते है. जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है इट इज़ कंसिडरबली हाई हाइयर दैन द सराउंडिंग एरिया और इट मींस जो माउंटेन्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग एरिया एरियाज से ऊंचे होते हैं सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स कुछ माउंटेन्स तो क्लाउड्स से भी ऊंचे होते हैं एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर जैसे जैसे आप किसी पहाड़ पर ऊंची जगह पर जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा इन सम माउंटेन्स देयर आर आर परमानेंटली फ्रोजन राय रिवर्स ऑफ आइस और कुछ तो माउंटेन्स ऐसे हैं जहाँ पर हमेशा जो बर्फ़ से ढके रहते हैं जिन पर रिवर्स ऑफ आइस रहती है हमेशा परमानेंट वहाँ पे बर्फ़ की नदियाँ रहती है और इन्हीं रिवर्स ऑफ आइस को हम ग्लेशियर कहते हैं देयर आर सम माउंटेंस यू कैन नाट सी एज़ दे आर अंडर द सी कुछ माउंटेंस जो होते हैं वो सी के नीचे की तरफ भी होते हैं सी के अंडर में होते हैं एंड वी कैन नॉट सी दैम बिकॉज ऑफ हार्स क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेनियस एरिया जो माउंटेनियस एरिया होते हैं वहाँ का क्लाइमेट हार्स होता है बिकॉज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ती है वो एरिया में स्नोफॉल uh, होता है जिससे वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन रहना पसंद करती है सिंस द स्लॉप्स आर स्टीप लेस एंड लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग और वहाँ पर फार्मिंग के लिए भी बहुत कम लैंड अवेलेबल होती है स्टीप फार्मिंग होती है स्लो फार्मिंग होती है वहाँ पर लोग टेरेस फार्मिंग भी करते हैं पहाड़ों के ऊपर सो तो फार्म क्योंकि वहाँ की जो सॉयल होती है उसमें छोटे छोटे रॉक्स मिक्स होते हैं इसलिए वहाँ पर अच्छे से फार्मिंग भी पॉसिबल नहीं होती और जो फ्लड आती है माउंटेन से जो बह के पानी आता है तेज बारिश की वजह से वो इन जो वहाँ के फील्ड्स होते हैं उनको नष्ट भी कर देता है उनको डिस्ट्रॉय भी कर देता है माउंटेंस में भी अरेंज इन अ लाइन नॉन एज रेंज और जब ये माउंटेंस एक रेंज में अरेंज होते हैं एक लाइन सॉरी एक लाइन में अरेंज होते हैं तो उसे रेंज कहते हैं रेंज मीन्स श्रृंखला इट मीन्स जब बहुत सारे माउंटेन्स एक दूसरे से अटैच होते हैं मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज़ ऑफ पैरलर रेंजेज़ एक्सटेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर और कुछ माउंटेन सिस्टम में तो उनकी जो पैरलर रेंज सीरीज़ है वो हजारों सॉरी सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है जो हिमालयन एल्पस एंड और ये सब माउंटेन रेंज है एशिया यूरोप और साउथ अमेरिका की और ये बहुत ज़्यादा ये माउंटेंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं और इनकी जो शेप है वो काफ़ी शेप और हाइट दोनों ही बहुत एक दूसरे से अलग अलग है ठीक है एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ माउंटेंस देयर आर थ्री टाइप ऑफ माउंटेंस फोल्ड माउंटेंस ब्लॉक माउंटेंस एंड थर्ड वन इज़ वोल्केनिक माउंटेंस फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फोल्ड माउंटेन द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन विद रगड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक इनकी कॉनिकल सेफ की जो पीक होती है चोटी कॉनिकल सेफ की होती है और इनका जो सरफेस होता है वो रगड़ सरफेस होता है रगड़ मीन्स खुरदुरा सरफेस होता है जो अरावली रेंज है इंडिया की वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम में से एक है दुनिया के द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉन डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोज़न और जो ये रेंज है ये हमेशा बनती और टूटती है और फिर नहीं बन जाती है ये इरोज़न की प्रोसेस से टूटती है द एल्पलेचियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड उरल माउंटेन इन रशिया हैव राउंडेड फीचर इनके फीचर्स राउंड हैं राउंडेड हैं और लो एलिवेशन है यानी कि ये कम ऊँची चोटियाँ हैं दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेंस ये भी बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन में से एक है नेक्स्ट इज़ ब्लॉक माउंटेन ब्लॉक माउंटेंस आर क्रिएटेड वैन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिसप्लेस वर्टिकली जब वर्टिकली बहुत बड़ा एरिया ब्रॉक होता है और डिस्प्लेस होता है तो ब्लॉक माउंटेंस फॉर्म होते हैं द अपलिफ्टमेंट ब्लॉक आर टर्म्ब एज हॉट्स जो ऊपर का जो एरिया होता है ऊपर का जो हिस्सा होता है ऊंचे वाला ऊंचे वाले ब्लॉक्स को हॉट्स बोलते हैं और जो लोअर्ड ब्लॉक्स होते हैं उन्हें क्रैबन बोलते हैं द राइन वैली एंड द वॉस्ग माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम नेक्स्ट इज वॉलकैनिक माउंटेन्स एंड वॉल्केकैनिक माउंटेंस आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्कैनिक एक्टिविटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है वॉलैनिक जो माउंटेन्स होते हैं वो वॉल्कैनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म होते हैं माउंट क्लेमेंजेरो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ माउंटेंस एंड माउंटेंस आर वेरी यूजफुल फॉर अस माउंटेंस आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर वाटर हमें माउंटेन्स से आता है बिकॉज बहुत सारी रि जो रिवर्स हैं सारी रिवर्स का जो आ, उनके निकलने की जो जगह है जहाँ से वो आती हैं बह के है, वो माउंटेन्स से ही आती है सारी रिवर्स का शोर्स जो है वो माउंटेंस के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं वही हैं रिजॉर्वर्स और जो भी वाट वाटर हम लोग यूज़ करते हैं पीपल्स के यूज़ के लिए होता है वो सब हमें माउंटेंस से ही मिलता है वाटर फ्रॉम द माउंटेंस इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रोलैक्ट्रिसिटी जो वाटर माउंटेन्स से आता है उसका इस्तेमाल उसका यूज़ इरिगेशन के लिए भी किया जाता है और साथ साथ उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से फॉर्म की जाती है जनरेट की जाती है द रिवर वैलीज एंड टेरेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स जो रिवर वैली होती है या फिर टेरेसेस जो होते हैं वो क्रॉप्स को कल्टिवेट करने के लिए अच्छे माने जाते हैं माउंटेन्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी के फ्लोरा और फेना फ्लोरा मींस डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट और फेना मींस डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। यानी कि माउंटेन्स होम होते हैं अलग अलग तरह के ट्रीज और एनिमल्स का फॉरेस्ट से हमें फ्यूल्स फूडर सेल्टर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट लाइक गम रेशिन ये सब हमें माउंटेंस के ऊपर जो फ़ॉरेस्ट होते हैं वहीं से मिलती हैं ये सारे प्रोडक्ट वहीं से मिलते हैं माउंटेंस प्रोवाइड एंड आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट और घूमने के लिए भी ये जो माउंटेंस होते हैं ये बहुत अच्छी जगह होते हैं हमें वहाँ जाके रिलैक्सेशन फील होता है दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी हम पहाड़ों पर उनकी सुंदरता को देखने के लिए जो सुंदर सुंदर सीन होते हैं पहाड़ों के उनको देखने के लिए वहाँ पे घूमने जाते हैं सेवरल स्पोर्ट्स बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे कि पैराग्लाइडिंग हैंग ग्लाइडिंग रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग ये सब माउंटेंस इनके लिए पॉपुलर हैं माउंटेंस में ही ये सारे गेम्स होते हैं और नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लेट्योज नाव वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लेट्यूज प्लेट्यू इज़ अ एलिवेटेड फ्लैंड फ्लैट लैंड जो प्लेट्यू होते हैं वो भी एलिवेटेड फ्लैट लैंड होते हैं इट मीनस कुछ ऊंचा जो नीचे का पार्ट होता है हमारे लैंड का जो सरफेस होता है उससे थोड़ा सा ये ऊंचे होते हैं ये फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड होती है जो सराउंडिंग एरिया से थोड़ा ऊंची होती है अब प्लेट्यू में वन और मोर साइड विद स्टीप स्लॉब्स जो प्लेट्यू होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा स्टीप स्लॉक्स हो सकते हैं और जो प्लेट्यू की हाइट है वो भी हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट डिफरें डिफरें प्लेसेस पर वो डिफरेंट होती है कहीं पर ये जो प्लेट्यू की जो हाइट है हंड्रेड मीटर से लेकर सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक भी पॉसिबल है प्लेट्यूज लाइक माउंटेंस में बी यंग और फोल्ड माउंटेंस की तरह प्लेट्यू भी यंग और ओल्ड दोनों होते हैं जो डिकन प्लेट्यू है इंडिया के एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू डन प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या तंजेनिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स ये सब भी इस तरह के ओल्डेस्ट प्लेट्यू के ओल्ड प्लेट्यू के एग्जाम्पल हैं तिब्बतन प्लेट्यू या तिब्बत प्लेट्यू इज़ द हाइस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ फोर थाउजेंड टू सिक्स थाउजेंड मीटर अबाव द मेन सी लेवल जो प्लेट्यू है वो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है और इसकी हाइट फोर थाउजेंड से लेकर सिक्स थाउजेंड मीटर तक है सी लेवल से अगर हम उसकी हाइट को मेज़र करें प्लेट्यूज़ आर आल्सो वेरी यूजफुल बिकॉज़ दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स बहुत सारे मिनरल्स हमें प्लेट्यूज से ही मिलते हैं एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज़ इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेट्यूज़ एरियाज़ और इसी की वजह से बहुत सारे जो माइनिंग एरियाज़ है माइनिंग एरियाज़ मींस जहाँ से ये मिनरल्स की खदानें हैं जहाँ से खुदाई करके मिनरल्स को निकाला जाता है दुनिया की ज़्यादातर माइंस प्लेट्यूज रीज़न्स में ही होती है जैसे कि इंडिया के अंदर झारखंड में प्लेट्यू रीजन है और वहाँ पर बहुत सारी कोयल माइन्स से वहाँ से कोयला निकाला जाता है अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग अफ्रीकन जो प्लेट्यू है वो गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फ़ेमस है इंडिया के अंदर बहुत सारे आयरन कोयल और मैगनीज़ के रिजर्व्स हैं ये यह सब यहाँ ये यह चीज़ें पाई जाती है हमारे यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू में इन द्लेट्यू एरियाज़ देयर मे बी सेवरल वाटर फॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट जो प्लेट्यू एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बहुत सारे वाटर फॉल्स भी हो सकते हैं जैसे कि रिवर फॉल्स होते हैं नदी के झरने होते हैं इसी तरह प्लेटूज में भी वाटर फॉल्स हो सकते हैं उनकी ऊंचाई की वजह से इन इंडिया द हंद्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर साबरनेर का एंड द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटर फॉल्स इंडिया के अंदर हुंद्रू नाम का वाटरफॉल है छोटा नागपुर प्लेट्यू में ये साबरनेर का रिवर पर है और जोग फॉल से कर्नाटका में ये दोनों प्लेट्यू में पाए जाने वाले वाटरफॉल्स के एग्जांपल है द लावा प्लेट्यू आर रिच इन द ब्लैक सॉयल जो लावा प्लेट्यू है वो ब्लैक सोइल वहाँ पे मिलती है और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा गुड भी होती है मैनी प्लेट हैव सीनिक स्पॉट्स बहुत सारे प्लेट्यो भी सीनिक स्पॉट्स रखते हैं और ये टूरिस्ट के अट्रैक्शन का सेंटर बन जाते हैं यहाँ पर लोग घूमने के लिए भी जाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेन्स प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड जो प्लेन्स होते हैं वो एक बड़ा भाग होते हैं एक फ्लैट लैंड का बहुत दूर तक फैली हुई फ्लैट लैंड होती है प्लेन्स में दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 हंड्रेड मीटर्स अबव मैन सी लेवल और सी लेवल से अगर, अगर हम इनकी हाइट को मेज़र करें तो सिर्फ 200 सौ मीटर ऊँचा होता है ये पॉर्शन जो प्लेन्स होता है सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल और ज़्यादातर जो प्लेन्स होते हैं वो बिल्कुल आ, लेवल में होते हैं समान होते हैं हर जगह पर अदर मे बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडल्टेटिंग कुछ थोड़ा सा ऊंचा नीचा भी हो सकता है कुछ जगहों पर मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज और जो अधिकतर जो ये प्लेन्स होते हैं ये रिवर्स और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूटरी मतलब नियर रिवर्स से निकल के आने वाली जो छोटी नदियाँ जो रिवर्स की सहायक नदियाँ होती हैं उनसे फॉर्म होते हैं द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेंस जब ये न, जो रिवर्स होती है ये पहाड़ों से बह के नीचे की तरफ आती है तो ये अपने साथ बहुत सारा सेंड सिल्ट सॉयल इरोड करके लेके आती है बहा के लेके आती है और इसको ये इस रोडिड मटेरियल को अपने साथ आगे फॉरवर्ड करके लेके जाती है और और जहाँ ले जाके ये इसको डिपॉजिट करती है इस इन स्टोन्स को वो को और सिल्क को अपने किनारों पर वहाँ पर जो आ, एरिया बनता है उसे वैलीज़ बोलते हैं और जो ये डिपॉजिट्स होता है इससे प्लेन फॉर्म होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल फर्टाइल होते हैं जनरली प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं इनके ऊपर ट्रांसपोर्ट के कंस्ट्रक्शन नेटवर्क को बहुत, बहुत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है इसलिए ही प्लेन्स बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड रीज़न होते हैं वर्ल्ड के यानी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो प्लेन एरिया में पाई जाती है सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स एंड फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका जो सबसे बड़े प्लेन्स हैं वो नदियों के द्वारा बनाए गए हैं और वो पाए जाते हैं एशिया और नॉर्थ अमेरिका में एग्जाम्पल के लिए एशिया में जो प्लेन्स फॉर्म किया है यहाँ पर प्लेन को फॉर्म करने के लिए टू रिवर्स आर रिस्पॉन्सिबल गंगा एंड ब्रह्मपुत्र और चाइना के अंदर जो बहुत बड़ा प्लेन एरिया है उसको वहाँ की जो यांग रिवर है उसने उसको फॉर्म किया है प्लेन्स आर ऑल्सो वेरी यूजफुल एरियाज़ फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन अपने घर बनाने के लिए भी हम लोग प्लेन एरियाज़ को ही ज़्यादा सुटेबल मानते हैं वहीं पर घर बनाना आसान होता है सो देयर इज़ ग्रेट कंसनट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फ़ॉर बिल्डिंग हाउसेज़ एज़ वेल एज फॉर द कल्टिवेशन इसलिए लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है कि वो इस फ्लैट लैंड पे घर बनाए हाउसेस को बिल्ड करें अवेलेबल होने इस तरह की लैंड हाउसेस बिल्ड करने के लिए इसके साथ साथ कल्टीवेशन के लिए भी वो इसी तरह की लैंड को सही मानते हैं सुटेबल मानते हैं बिकॉज ऑफ फर्टाइल सोइल द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन ये जो ये रिवर की जो रिवर अपने साथ जो इरोड करके लेके आती है इससे जो एरिया फॉर्म होता है जो प्लेन फॉर्म होता है उसकी जो सॉयल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन की जो प्रोडक्टिविटी होती है इस लैंड पर वो बहुत ज़्यादा हाई होती है इन इंडिया टू द इंडो गेंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री इंडिया के अंदर भी जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो सबसे ज़्यादा घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है हमारे देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो गंगा नदी ने जो के द्वारा जो प्लेन्स फॉर्म किया गया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है मोस्ट पॉपुलश एरिया है वो कंट्री का आ नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड्स एंड द पीपल वॉट इज़ द रिलेशन ऑफ पीपल एंड लैंडफॉम्स क्या रिश्ता है लैंड और लोगों का किस तरह के लैंडफॉम्स पर रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं किस तरह के पे कम करते हैं कहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं ह्यूमेंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज़ अलग अलग तरीक़ों को यूज़ करके जो इंसान हैं वो अलग अलग तरह के लैंडफॉम्स पर रहते हैं लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज़ पहाड़ी जगहों पर पहाड़ी भागों में रहना बहुत ज़्यादा कठिन होता है और प्लेन्स हमें बेटर कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं इसलिए प्लेन्स मोस्ट पॉपुलस एरियाज होते हैं इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करना ईजी होता है हाउसेज को बिल्ड करना ईजी होता है रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना ईजी होता है इन द कम्पेरिजन ऑफ अ माउंटेनियस एरिया एक माउंटेनियस एरिया के कम्पेरिजन में प्लेन्स में ये सब चीज़ें बिल्ड करना कंस्ट्रक्ट करना ईजी होता है समटाइम्स नेचुरल क्लैमिटीज सचेज अर्थ क्वैक वॉल्केकैनिकेप्शन स्टोम्स एंड फ्लड्स कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन कभी कभी बहुत कुछ जो नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं जो प्रकृति की तरफ से जो आपदाएं आती हैं जैसे कि अर्थक्वेक आ गया वॉल्कनिक्रप्शन हो गया स्टोम्स तूफान आ गए या फ्लड आ गया इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है लाइफ का तो ह्यूज लॉस होता ही है साथ साथ प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है बाई क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसीडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क और लोगों में अवेयरनेस फैला के अवेयरनेस को क्रिएटिव करके बना के और अच्छे अच्छे तरीके से लोगों में अवेयरनेस फैला के इन इंसिडेंट्स को कम किया जा सकता है और साथ साथ इनसे होने वाले जो खतरा है जो डेंजर है उसको भी कम किया जाएगा अगर लोगों को अवेयर कर दिया जाए तूफान तो आने से पहले ही लोगों को अवेयर कर दिया जाए या जो हमारे यहाँ फ्लड आती है ज़्यादा बारिश होती है या पता चले कि अर्थक्वेक की आने का अगर पहले से ही उसका अनुमान लगा लिया जाए और पता करके लोगों को जैसे तूफ़ान आते हैं तो जो समुद्री किनारे पर लोग रहते हैं या समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं तो उनको पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि इस सी या ओसिन के अंदर ये वाला स्टोम या ये वाला तूफान आने वाला है और आपको यहाँ नहीं जाना है उन एरियाज़ को खाली करा लिया जाता है तो इस तरह लोगों के बीच अवेयरनेस फैला के इस तरह के इंसिडेंट्स से होने वाले रिस्क को कम किया जा सकता है यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ऑन सराउंडिंग्स इन लो हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर आप पता करिए कि आपके आसपास जो भी लैंड है जो भी सराउंडिंग्स है आपकी वहाँ पर जो लैंड और वाटर है आप उनका यूज़ किस किस वे में और कैसे कैसे करते हैं क्वाइट ऑफिन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर्स और हम आज के टाइम में जो लैंड का यूज़ कर रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए हम जो फर्टाइल लैंड है जिस पर खेती करनी चाहिए उस लैंड को हम खाली कर रहे हैं उस एरेबल लैंड को हम खाली कर रहे हैं और वहाँ पर हाउसेस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सिमिलरली वी थ्रो गारबेज ऑन लैंड इसके अलावा हम लैंड पर जो फर्टाइल लैंड है उस पर गारबेज थ्रो कर रहे हैं और वाटर को भी साथ साथ डर्टी बना रहे हैं क्योंकि जो हमारी रिवर्स है उनमें भी फैक्ट्री से निकलने वाला जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो मिक्स हो जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स मिक्स कर दिए जाते हैं और उसके साथ साथ घरों से जो कूड़ा कचरा निकलता है वो भी नदियों में फेंक दिया जाता है इससे हमारा वाटर भी डर्टी होता जा रहा है वाटर भी पॉजिनियस होने के साथ साथ डर्टी भी हो रहा है सो वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि हमने हमें जो हमारी नेचर ने ये इतने सुंदर ये इतने इंपॉर्टेंट गिफ्ट दिए हैं हम इनका इत, इस तरह से केयरलेस होके यूज़ ना करें द एवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आर यूज़ ये जो एवलेबल लैंड है हमारे पास ये सिर्फ़ हमारे यूज़ के लिए नहीं है बट इट इज़ आर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाएं सिर्फ अपने लिए नहीं, नहीं बल्कि जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी और वो भी हमारी जो नेचर से हमें ये इम्पोर्टेंट गिफ्ट मिला है ये डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉम्स मिले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स मिले हैं इनका वो यूज़ कर सके और इनसे वो इनको वो साथ साथ यूज़ के साथ साथ एंजॉय भी कर सके हमें अपनी अर्थ को क्लीन रखना चाहिए पॉल्यूशन को कम करना चाहिए और जो हम गार्बेज इसी तरह से खुले में कहीं भी थ्रो कर देते हैं उसको भी हमें थ्रो नहीं करना चाहिए हमारी रिवर्स को क्लीन करने के लिए बहुत सारे आ, वो चलाई जा रही हैं योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि रिवर्स को क्लीन किया जाए इनको फिर से जीवित किया जाए कुछ ऐसी रिवर्स है जो सूख गई है उनको फिर से जीवित किया जाए उन्हें फिर से लाइव रिवर में चेंज किया जाए और हमारी एयर के अंदर भी जो हम बहुत सारे व्हीकल्स यूज़ करते हैं उनसे जो बहुत अलग अलग तरह की जो केमिकल्स जो होते हैं उनसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्मोक निकलता है हार्मफुल होता है वो फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है जो धुआं निकलता है उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस होती है हार्मफुल गैसेस होती है वो एयर में मिक्स हो के हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और साथ साथ हमारे जो ये नेचुरल नेचर गिविंग जो चीज़ें हैं हमें प्रकृति इन इसको भी वो हार्म पहुँचाती है सो so, हमें केयरलेस मैनर्स में इनका यूज़ नहीं करना चाहिए साथ साथ अवेयर रहना चाहिए कि हम इस तरह से पॉल्यूशन ना फैलाएं और अपनी अर्थ को सब हम अपनी अर्थ को साफ सुथरा और सुंदर बनाएं ताकि इसका हम तो इससे के साथ एन्जॉय कर ही सकें बट बट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो उसके लिए भी एक बेटर प्लेस हो सो योर सिक्स चैप्टर इज़ कंप्लीट हीयर होप यू ऑल हैव लिसन मी केयरफुल्ली थैंक यू